श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 16 भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, हे कुरुवंशी, जब भगवान परशुराम को उनके पिता ने यह आज्ञा दी तब उन्होंने तत्क्षण ही तथास्तु कहते हुए उसे स्वीकार कर लिया। एक पूर्ण वर्ष तक वे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते रहे, तत्पश्चात वे अपने पिता के आश्रम में लौट आए। एक बार की बात है, जमदग्नि की पत्नी रेणुका जब पानी भरने के लिए गंगा नदी के तट पर गई तो उन्होंने कमल के फूलों की माला से सुशोभित और अप्सराओं के साथ गंगा में विहार करते हुए गंधर्वों के राजा को देखा। वो जल लेकर गंगा नदी से लौटी थी, किंतु जब उसने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देखा तो वो उसकी ओर उन्मुख सी हुई और यह भूल ही गई कि अग्निहोत्र का समय बीत रहा है। इसके बाद यह महसूस करते हुए कि यज्ञ करने का समय बीत चुका है, रेणुका अपने पति द्वारा शापित होने के डर से घबरा गई। इसलिए जब वो लौटी तो वो उनके सामने जलपात्र रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महान ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी के मन का व्यभिचार समझ गए, इसलिए वे बहुत क्रोधित हुए और अपने पुत्रों से बोले, हे मेरे प्यारे बेटों, इस पापिनी स्त्री को मार डालो। परंतु पुत्रों ने उनके आदेश का पालन नहीं किया। तब जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी आज्ञा न मानने वाले भाइयों तथा मानसिक रूप से पाप करने वाली माँ को मारने की आज्ञा दी। परशुराम ने तुरंत ही अपनी माँ और भाइयों की हत्या कर दी, क्योंकि वह अपने पिता के तप और ध्यान द्वारा अर्जित पराक्रम को जानते थे। सत्यवती के पुत्र जमदग्नि परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे मनचाहा वर मांगने को कहा। परशुराम ने उत्तर दिया, मेरी माँ और भाइयों को फिर से जीवित कर दें और उन्हें ये याद न रहे कि मैंने उन्हें मार डाला था। बस इतना ही वर मैं मांगता हूँ। तत्पश्चात जमदग्नि के आशीर्वाद से भगवान परशुराम की माता और भाई तुरंत जीवित हो उठे। वे सभी बहुत खुश थे, जैसे गहरी नींद से जागे हों। परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपने परिजनों को मार डाला था, क्योंकि वे अपने पिता की शक्ति, तपस्या और विद्वता से अवगत थे। हे राजन परीक्षित, परशुराम की अत्यधिक शक्ति द्वारा पराजित कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों को कभी खुशी नहीं मिली, क्योंकि उन्हें अपने पिता का वध हमेशा याद रहता था। एक बार जब परशुराम वसुमान और अपने अन्य भाइयों के साथ जंगल में चले गए तो कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों ने अवसर का लाभ उठाकर अपनी शत्रुता का बदला लेने के उद्देश्य से जमदग्नि के आश्रम में प्रवेश किया। कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र पाप कर्म करने के लिए दृढ़ निश्चयी थे, अतः जब उन्होंने जमदग्नि को आग के पास यज्ञ करते हुए और उत्तम श्लोक भगवान का ध्यान करते हुए देखा तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर उनकी हत्या कर दी। परशुराम की माँ और जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने करुणाजनक प्रार्थनाओं के साथ अपने पति के जीवन की भीख मांगी, किंतु कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र क्षत्रिय गुणों से रहित होकर इतने निर्दयी थे कि उसकी प्रार्थनाओं के बावजूद उन्होंने उसका सिर काट लिया और उसे ले गए। अपने पति की मौत से दुखी होकर पतिव्रता रेणुका अपने हाथों से अपने शरीर पर प्रहार कर रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, हे राम, मेरे लाडले बेटे राम। यद्यपि परशुराम सहित जमदग्नि के सभी पुत्र घर से दूर थे, फिर भी जैसे ही उन्होंने रेणुका के हे राम, हे पुत्र की ऊंची आवाज में पुकार सुनी, वे तुरंत आश्रम लौट आए, जहां उन्होंने अपने पिता को मृत पाया। शोक, क्रोध, अपमान, संताप और विलाप से घिरे जमदग्नि के सभी पुत्र चिल्ला उठे, हे धर्मी और साधु पिता, आप हमें छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए हैं। इस प्रकार विलाप करते हुए भगवान परशुराम ने अपने पिता का मृत शरीर अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं पृथ्वी तल से सभी क्षत्रियों का अंत करने का निर्णय लेते हुए अपना फरसा उठा लिया। हे राजन, तब परशुराम उस माहिष्मति नगरी में गए जो एक ब्राह्मण के पापपूर्ण वध के कारण पहले ही विनष्ट हो चुकी थी। उन्होंने उस नगरी के बीचों बीच कार्तवीर्यार्जुन के बेटों के शरीर से कटे सिरों का एक पहाड़ बना दिया। इन पुत्रों के खून से भगवान परशुराम ने एक ऐसी नदी बनाई जिससे उन राजाओं में डर की लहर दौड़ गई जिनमें ब्राह्मण संस्कृति के प्रति सम्मान नहीं था। चूंकि सरकार के अधिकारी अर्थात क्षत्रिय पाप कर्म कर रहे थे, इसलिए परशुराम ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के बहाने 21 बार पृथ्वी से सारे क्षत्रियों का सफाया कर दिया। वास्तव में समंत पंचक नामक स्थान पर उन्होंने उनके खून से 9 झीलें बनाई।
तदनंतर परशुराम ने अपने पिता के सिर को मृत शरीर से जोड़ दिया और पूरे शरीर और सिर को कुश के ऊपर रख दिया। उन्होंने यज्ञों के माध्यम से भगवान वासुदेव की पूजा शुरू की, जो सभी देवताओं और प्रत्येक जीव की सर्वव्यापी परमात्मा है। यज्ञ समाप्त होने के बाद परशुराम ने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अध्वर्यु को, उत्तर दिशा उद्गाता को और चारों कोने उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम अन्य पुरोहितों को उपहार में दे दिए। उन्होंने मध्य भाग कश्यप को और आर्यावर्त को उपदृष्टा को दे दिया। बचा हुआ भाग सदस्यों यानी सहयोगी पुरोहितों में बांट दिया। तत्पश्चात यज्ञ कर्म पूरा करने के बाद भगवान परशुराम ने अवभृत स्नान किया। समस्त पापों से निर्मुक्त होकर वे महान नदी सरस्वती के किनारे पर खड़े हुए थे और बादल रहित आकाश में सूर्य की तरह दिख रहे थे। और इस प्रकार परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जमदग्नि को अपनी पूरी स्मृति वापस प्राप्त हुई और वे सात सितारों के समूह में से एक सातवें ऋषि बन गए। हे परीक्षित, अगले मन्वंतर में जमदग्नि ऋषि के पुत्र कमलनेत्र भगवान परशुराम वैदिक ज्ञान के महान संस्थापक होंगे। दूसरे शब्दों में वो सप्तर्षियों में से एक होंगे। आज भी भगवान परशुराम महेंद्र नामक पर्वतीय प्रदेश में ब्राह्मण के रूप में अपने बुद्धिमान व्यक्तित्व के साथ निवास कर रहे हैं। पूर्ण रूप से संतुष्ट और क्षत्रिय के हथियारों का परित्याग कर वे स्वभाव और कार्यों के कारण सिद्धों, गंधर्वों और चारणों द्वारा सदैव पूजित, वंदित और प्रशंसित हैं। इस प्रकार परमात्मा भगवान विष्णु और ईश्वर ने भृगु वंश में अवतार लिया और अनेक बार अवांछनीय राजाओं को मारकर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया। महाराजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र अग्नि की लपटों के समान शक्तिशाली थे। उन्होंने क्षत्रिय पद से तपस्या द्वारा ब्राह्मण का पद प्राप्त किया। हे राजन परीक्षित, विश्वामित्र के 101 पुत्र थे, जिनमें से बीच वाले पुत्र का नाम मधुच्छंदा था। मधुच्छंदा के कारण उनके अन्य सभी पुत्र भी मधुच्छंदा नाम से प्रसिद्ध हुए। विश्वामित्र ने अजीगत के पुत्र शुन शेव को, जो भृगुवंश में उत्पन्न हुए थे और देवरात के नाम से भी विख्यात थे, अपने पुत्र स्वरूप में स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने अपने अन्य पुत्रों को आदेश दिया कि वे शुन शेव को अपना ज्येष्ठ भाई माने। शुन शेव के पिता ने शुन शेव को राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में मनुष्य के रूप में बलि चढ़ाए जाने के लिए बेच दिया। जब शुन शेव को बलि के लिए यज्ञशाला में लाया गया तो उसने देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसे छुड़ा दें और उसकी कृपा से वो छूट गया। यद्यपि शुन शेव का जन्म भृगु ऋषि के वंश में हुआ था, किंतु आध्यात्मिक जीवन में वो बहुत आगे बढ़ा हुआ था, इस कारण यज्ञ में संबंधित देवता उसकी रक्षा करते थे। फलस्वरूप वो देवरात के नाम से गाधी के वंशज के रूप में भी विख्यात हुआ। जब उनके पिता ने शुनशेव को सबसे बड़े पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा तो विश्वामित्र के 50 बड़े मधुच्छंदा पुत्र इसके लिए सहमत नहीं हुए। इस पर विश्वामित्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उन्हें शाप दे दिया, निकम्मे पुत्रों, तुम सब मलयच बन जाओ क्योंकि तुम वैदिक संस्कृति के सिद्धांतों के विरुद्ध हो। जब बड़े 50 मधुच्छंदा शापित हो गए, तभी मधुच्छंदा सहित छोटे 50 पुत्र अपने पिता के पास गए और उनसे सहमति जताते हुए कहा, हे पिता, आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इस प्रकार युवा मधुच्छादाओं ने शुनाशेव को अपना बड़ा भाई मान लिया और उससे कहा, हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे। तब विश्वामित्र ने अपने आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, क्योंकि तुम लोगों ने शुनाशेव को अपना बड़ा भाई मान लिया है, इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरा आदेश स्वीकार करके तुम लोगों ने मुझे योग्य पुत्रों का पिता बनाया है, इसलिए मैं तुम सबको पुत्रों का पिता बनने का आशीर्वाद देता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, हे कुशिको, ये देवरात मेरा पुत्र है और तुम में से एक है, इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करो। हे राजा परीक्षित, विश्वामित्र के अन्य कई पुत्र भी थे, जैसे अष्टक, हारीत, जय और क्रतुमान। विश्वामित्र ने कुछ पुत्रों को शाप दिया और कुछ को आशीर्वाद दिया और एक पुत्र को गोद भी लिया। इस प्रकार कौशिक वंश में विविधताएं थीं, परंतु इन सभी पुत्रों में देवरात को सबसे बड़ा माना जाता था।